और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। अब चूंकि देश के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इसलिए येलो अलर्ट राजस्थान के लिए भी है। मौसम विभाग ने सर्दी में और अधिक इजाफे की चेतावनी दी है। राजस्थान में अभी और तेज होगी शीतलहर, तो ये येलो अलर्ट इसी के लिए जारी किया गया है। खासतौर से उत्तरी राजस्थान में ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ सकता है, और इस वजह से येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, राजस्थान में ठंड को लेकर के ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। धुंध और विजिबिलिटी की वजह से कई हादसे भी आप देखते हैं, रोजाना होते हैं, और अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि शीतलहर की चपेट में अभी राजस्थान और आएगा, शीतलहर और तेज होगी, ये चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दिनेश, राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर से मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर के प्रकोप को लेकर क्या जानकारी? देखिए, मौसम विभाग के माने तो राजस्थान में ठंड को लेकर के अभी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, और पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड एकदम से बढ़ गई है, खासतौर से माउंट आबू और फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पे भी पिछले कई दिनों से सर्दी का दौर लगातार जारी है। और मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में अभी एक दो दिन में अभी और तेज शीतलहर होगी। उत्तरी राजस्थान में ठंड और तेज हो सकती है, और कुछ इलाके में बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने यहाँ पर दी है। वहीं ये जो मौसम लगातार सर्दी बढ़ रही है, यहाँ पर जो पारा और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट है, इसने किसानों की थोड़ी बहुत चिंता भी बढ़ा दी, और आज मौसम विभाग ने एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है प्रदेश में। बिल्कुल, लेकिन दिनेश और क्या जानकारी इसके अलावा निकलकर सामने आई, क्योंकि एक तरफ तो येलो अलर्ट है, दूसरा ये क्या एहतियातन भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग कैसे बचाव करें, या इसको लेकर के प्रशासन को कोई निर्देश? दिनेश, समय समय पर जो पशुपालन विभाग है, जो कृषि विभाग है, वो अलग से अपनी गाइडलाइन जारी करता रहता है। तीनों विभागों में आपसी कोऑर्डिनेशन है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो या तीन दिन में बिल्कुल बर्फीली हवाओं के साथ तापमान में और गिरावट होगी, और बिल्कुल एकदम से शीतलहर और बढ़ेगी राजस्थान में, और कई इलाकों में उन्होंने बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश फिलहाल इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।